दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली प्रमुख कृष्ण पद्यावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उनके दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, सुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू सुम निसुम के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़ कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर डाला। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे साय को शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भर कर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओंठ की डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। सुम ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड हे और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने से सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार छठा अध्याय पूरा हुआ।